कल शाम से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ झूठी खबरें फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कल शाम से ट्विटर पर, फेसबुक पर, टीवी चैनलों पर ये खबर प्लांट कराई कि ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनीष सिसोदिया जी और उनकी पत्नी की करोड़ों की संपत्ति जब्त करी है और अटैच करी है। मैं आज आप सबके सामने ईडी का खुद का ऑर्डर रखना चाहती हूं और आप सबके माध्यम से पूरे देश को दिखाना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से झूठ बोलते हैं। ये कागज जो है ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का खुद का ऑर्डर है जो 3 जुलाई को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इशू किया था। प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर नंबर 20/2023। इस अटैचमेंट ऑर्डर के तहत वो खुद अपने कागजों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बता रही है। उसने पूरी डिटेल्स दी हैं कि एक्साइज पॉलिसी के इन्वेस्टिगेशन में, इस ऑर्डर में उसके अंत पे एक एनेक्सचर है जिसमें लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टीज अटैच्ड, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों की जो प्रॉपर्टी, जो बैंक अकाउंट्स अटैच हुए हैं उसकी डिटेल्स दी गई हैं। आप खुद देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पर मनीष सिसोदिया जी, उनकी एक प्रॉपर्टी जो वसुंधरा गाजियाबाद में है, जिसके बारे में ईडी खुद कह रही है कि उसकी कुल कीमत 5,07,600 रुपये है, 5,07,600 रुपीज। और ईडी के ऑर्डर में ये खुद लिखा हुआ है कि मनीष सिसोदिया जी ने ये प्रॉपर्टी 2005 में खरीदी, यानी 18 साल पहले खरीदा हुआ ये उनका फ्लैट है जो ईडी ने अटैच किया है। दूसरा, ईडी के खुद के डॉक्यूमेंट के अगले पन्ने पर दूसरी प्रॉपर्टी जो अटैच की है मनीष सिसोदिया जी के पत्नी के नाम पे, एक मयूर विहार में फ्लैट है, जो ईडी के कागज खुद बता रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू मार्केट की 65 लाख रुपए है और वो 2018 में खरीदा गया है, यानी 5 साल पहले। हम ईडी के ही डॉक्यूमेंट में जब आगे देखते हैं तो जहां पे उन्होंने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी हैं तो ये कहा है कि मनीष सिसोदिया जी का एक ही बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसमें कुल मिलाकर 11,49,000 रुपये हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बैंक अकाउंट है ये मनीष सिसोदिया जी की सैलरी का अकाउंट है, जहां पे उन्हें विधायक होने के नाते हर महीने सैलरी आती है और जो पैसा उनके बैंक अकाउंट में है ये उनकी सैलरी का पैसा है। तो अगर हम ईडी के खुद के अटैचमेंट ऑर्डर को देखें और खुद उसका हिसाब किताब लगाएं तो कुल मिला के 81,49,738 रुपये, यानी मात्र 81 लाख की प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया जी की अटैच की है और ये ईडी के कागजात खुद बता रहे हैं। ये ऐसे पैसे हैं, ऐसी प्रॉपर्टी है जो मनीष सिसोदिया जी ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाई है। 2005 में मनीष सिसोदिया जी एक पत्रकार थे, अपनी उस कमाई के पैसे से अपने परिवार के रहने के लिए उन्होंने घर लिया। 2005 में, 18 साल पहले
उनके राजनीति में आने के पहले बताए भारतीय जनता पार्टी कि वो कैसे कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए मनीष सिसोदिया जी ने लिकर पॉलिसी में, एक्साइज पॉलिसी में बनाए, जबकि ईडी खुद बता रही है कि वो मकान 2005 में खरीदा हुआ है।